खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण देते वक्त कांग्रेस से भाजपा में आए धर्मचंद चपड़ौत के बोल बिगड़ गए। उन्होंने जोश जोश में होश खोते हुए कहा कि तहसीलदार चोर है, तहसीलदार लोगों को चक्कर लगवाते रहते हैं पर काम नहीं करते हैं, लोगों को चक्कर कटवाते हैं और बिल्कुल काम नहीं करते हैं। वहीं भाषण के बाद धर्मचंद चपड़ौत अपने बयान पर गोलमोल तरीके से सफाई देते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर तहसीलदार ने भी उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे व्यक्तिगत बारे में किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, अशोभनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। इस पे क्या कार्रवाई आप लोगों को द्वारा की जाएगी, क्योंकि आप तहसीलदार हैं? हाँ, ये कहना जो भी है वो ठीक नहीं है, और जो भी मतलब जैसे अधिकारी नॉलेज में लाया जाएगा और ऐसा होगा तो कोई कार्रवाई भी की जाएगी। जावरा के अंदर ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है, यहाँ लोग चक्कर खाते हैं लेकिन काम नहीं होता है। यहाँ तक तहसीलदार का सवाल है, 10-10 चक्कर उसके यहाँ लोग लगा लेते हैं और कागज नहीं देता है। लोग परेशान हो रहे हैं, आमंत्रण के लिए परेशान हो रहे हैं, नगर पालिका पूरे जावरा में गड्ढे हो रहे हैं, कोई ध्यान दे नहीं दे रहा है, सीएमओ भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये ओवर ब्रिज के साइड से जो पटरी के पास से मस्जिद वाली तो जहाँ ब्रिज बन रहा है उसके नीचे भी गड्ढे हैं, लेकिन कोई ठीक। बढ़ते अगली खबर की ओर। रतलाम के रावटी में पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 1.5 लाख के चांदी के गहने बरामद किए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि रावटी के एक कॉलोनी के निवासी बद्रीलाल वसुनिया ने घर से चांदी के जेवर चोरी होने की शिकायत दर्ज की थी, तो वहीं पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए गांव के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया था और चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया है। आज बद्रीलाल पिता रामचंद्र बसुरिया इंदिरा कॉलोनी ने रिपोर्ट की थी, उसकी पत्नी रेखा को लेकर पलसोली छोड़ने कल गया था, मकान का ताला लगा के गया था, वापस पत्नी को छोड़ के आया, 4 बजे का ताला अटका था, खुल के मतलब खुला हुआ अटका था। उसने अंदर जाके देखा, ध्यान में दिया क्योंकि अकेला था। आज उसको गैस की टंकी ख़त्म होने से गैस की डायरी निकालने के लिए अलवारी के पास गया, अलवारी का लॉक ख़राब था, गैस का डायरी निकाली तो उसमें देखा जो उसकी रकमें अलवारी के अंदर जो रखी थी 1 किलो 800 ग्राम चांदी की रकमें। धार के उमरबन के पास टोल घाटी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में 19 यात्री घायल हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि हादसे में किसी के भी मरने की खबर नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार बस में कम से कम 40 से अधिक यात्री सवार थे। नागदा के आसपास 22 गांव जल समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर सभी गांवों के प्रमुख सरपंच व ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा को ज्ञापन सौंपा और जल समस्या का जल्द निराकरण करने की बात कही। वहीं तहसीलदार ने मामले पर संज्ञान लेते हुए समस्या का जल्द निवारण करने की बात कही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिंगरौली जिले से रेत का परिवहन कर ले जाने वाले बड़े वाहनों में अतिरिक्त बॉडी जोड़कर ओवरलोड रेत का परिवहन करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है, जहां देवसर एसडीएम विकास सिंह की अगुवाई में खनिज निरीक्षक कपिल मुनि शुक्ला मुनेंद्र सिंह ने 4 ऐसे वाहन जब्त किए हैं जिन वाहनों की बॉडी में अतिरिक्त एक्सटेंशन लगाया गया था। जिले में कलेक्टर महोदय के निर्देश से जो ऐसे डंपर जो कि अपना बॉडी में एक्सटेंशन कर लिए थे और उसमें ओवरलोड रेत लेके परिवहन कराए थे, ऐसे वाहनों को
कल देवसर में जांच लगा के पकड़ा गया, चार वाहन इसमें जब्त किए गए। जब्त करने पर जो ओरिजिनल बॉडी में जो उन्होंने एक्सटेंशन कराया था उसको। बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़नगर की घटना को लेकर जिले भर में हिंदू संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं जल्द मामले पर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। दरअसल विगत दिनों बड़नगर के बोहरा पेट्रोल पंप के पास मौजूद हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों ने हनुमान प्रतिमा को क्षति पहुंचाई थी और हनुमान प्रतिमा को जला दिया गया था। वहीं नगर में स्थित मंदिरों में भगवान की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की चार दिनों में यह दूसरी घटना है, जिसके बाद से हिंदूवादी संगठनों में खासा गुस्सा है। बहुत से अतिक्रमण भी हो रहे हैं। बड़नगर की घटना है, बड़नगर पुलिस और जिला पुलिस जो है उसमें लगी है कार्रवाई में, और मुझे उम्मीद है शीघ्र ही जो है आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग सतर्क हैं, सजग हैं कि यहाँ ऐसी घटना ना हो, और वहाँ जो हुआ है तो वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।